डार प्लाजा और राजेश्वरी मैटरनिटी सेंटर पेश करता है मॉर्निंग हलचल। भारी बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसलों को नुकसान की समीक्षा करने के लिए बिहार राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार खुद किसानों के बीच पहुंचे और कहे कि सरकार जल्द ही उनकी सहायता करेगी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण राज्य किसानों का फसलों काफी क्षति हुई है। अभी किसान भाइयों से हम बात कर रहे हैं बोधगया प्रखंड में और जानकारी मिल रही है कि आलू, मसूर, चना और राहर और सरसों का काफी नुकसान हुआ जा रहा है। नुकसान की भरपाई करने के लिए हम कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसका विलंब सर्वे कराकर जो हमारे किसान सलाहकार हैं, कृषि समन्वयक हैं और प्रखंड और जिला कृषि पदाधिकारी जो है या करके इसका सर्वे करा करके अविलंब सरकार से रिपोर्ट भेजे ताकि किसान भाइयों को जो फसलों का नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार के द्वारा कृषि इनपुट सहायता दी जाती है या करके। जब मंत्री ही सरकार की गाइडलाइन को ना माने और वो भी अगर गाइडलाइन उसी के मंत्रालय से संबंधित हो तो आप क्या कहेंगे? बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए किसी भी तरह के पब्लिक प्रोग्राम या भीड़ से बचने के राज्य सरकार के दिशा निर्देश को धत्ता बताते हुए रोहतास जिले के विक्रमगंज में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम करते हैं, मानो सरकारी दिशा निर्देश का उन्हें कोई भी परवाह नहीं। गया शहर सहित गया जिले के कई हिस्सों में कई अवैध नर्सिंग होम तथा क्लिनिक चलाया जा रहा है, मानकों का नहीं रखा जा रहा है ख्याल, अनपढ़ भी कर रहे इलाज। इंजेक्शन वगैरह लगा लेती है, बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच गया तथा बोधगया में मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री खासी बढ़ गई है, लोग लगातार इसे ढूंढते दिखाई पड़ रहे हैं। छपरा पुलिस ने दो कन्याई नागरिकों को लिया हिरासत में, कोरोना का है संदेह, वो दोनों खुद को एथलीट्स बता रहे हैं।